दोस्तों नमस्कार आदाब। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ और सभी अच्छे से होंगे। आज फिर मैं आपके सामने एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ बायोडायवर्सिटी। जैसा कि आपको फिगर देख कर एहसास मालूम हो गया अगर हम किसके बारे में बात करने चल रहे हैं, तो बायोडायवर्सिटी किसे कहते हैं? जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ, जहाँ पर एक निश्चित क्षेत्र में बहुत सारी प्रजातियाँ निवास करती हैं, उस क्षेत्र में क्या कहते हैं कि वो उसकी बायोडायवर्सिटी कहलाती है। अब बात ये आती है कि बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर कहाँ ज़्यादा होती है, इसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप इसमें फिगर में देख रहे हैं कि बीच में क्या लिखा है, उच्च जैव विविधता बायोडायवर्सिटी की हिंदी क्या होती है, जैव विविधता होती है। अब बात करते हैं कि जैसे ये आपका ये भूमध्य रेखा है, जो आपकी भूमध्य रेखा है कि भूमध्य रेखा से जैसे आप ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो क्या होता है, बायोडायवर्सिटी हमेशा कम होती चली जाती है। उसका ये कारण है कि जैसे ये मान लीजिए कि ये भूमध्य रेखा है, ये कि और जो आपकी ये कर्क रेखा है, ये बीच की भूमध्य रेखा होगी, ये आपकी कर्क रेखा होगी, इसी के मध्य क्या होता है कि जो सूर्य होता है, जो हमारा सन होता है, इसी सन में क्या होता है, सन हमारा यहीं पे चमकता है। जब यहाँ पे चमकेगा तो क्या होगा कि यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ गर्म जलवायु होगी, अधिक वर्षा होगा तथा पादप तथा प्राणियों के विकास तथा वृद्धि के लिए अनुकूलतम दशाएं मिल जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे हम पृथ्वी मतलब कि भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं, हमारे क्या होता है कि सूर्य की किरणें वहाँ पर नहीं पहुँचती हैं। जब सूर्य की किरणें नहीं पहुँचेंगी तो वहाँ पर कि आपका कि जलवायु गर्म नहीं होगी, जब जलवायु गर्म नहीं होगी तो अधिक वर्षा नहीं होगी, जब अधिक वर्षा नहीं होगी तो वहाँ पर ना तो कोई पौधे हो मतलब कि पौधे कि वहाँ पर उग सकते हैं, ना ही जीव उग सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, ये कहने का मतलब है। और इसी तरीके से जब नीचे आएंगे, नीचे भी क्या होता है कि नीचे भी आने पर बायोडायवर्सिटी कम होती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की तरफ आने पर क्या होता है कि बायोडायवर्सिटी बढ़ती है, वो ऊपर से आए या नीचे से आए तो क्या होगा कि बायोडायवर्सिटी बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा कि हम भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है कि बायोडायवर्सिटी हमेशा इसमें क्या होती रहती है, कम होती चली जाती है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझना है कि जैसे कि अगर क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा कि बायोडायवर्सिटी मिलती, तो क्या बताओगे सबसे अधिक कहाँ पर मिलती है कि भूमध्य रेखा पर होती है। जैसा कि आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा गया है आपके लिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या कि जैव विविधता की प्रवणता है, यहाँ पे क्या लिखा, निम्न जैव विविधता होती है अर्थात ध्रुवों पे सबसे कम बायोडायवर्सिटी मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से अपने पढ़िएगा। अगर और भी अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, हम इस तरीके से टॉपिक आपको लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके थैंक, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, कंपटीशन में आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है, होगा। ओके थैंक, धन्यवाद।